जेलों में जगह जगह गंदगी के ढेर ने शहरियों की जिंदगी अजीरन करती है, रिपोर्ट कर रहे हैं नबीदुर रहमान भट्ट। जेलम शहर की आबादी तकरीबन 3 लाख अफराद है और ये शहर 5 बड़ी सड़कों पर मुश्तमिल है। सिविल लाइन ता ब्लाड टोन, शानदार चौक ता ज्यादा, कचहरी चौक ता गवर्नमेंट हाई स्कूल, मशीन वाला नंबर 1 तक कचहरी, महमदी चौक ता सिविल लाइन रोड, इन तमाम बड़ी सड़कों पर जगह जगह गंदगी के ढेरों ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। कई दफा कंप्लेन की है चीफ साहब को कि ये कूड़ा उठाएं, उनको सुनवाई नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं सुन रहे, आ ही नहीं रहे हैं। कोई इंतजामिया नहीं, कोई कमेटी का बंदा नहीं आ रहा, कोई कचरा नहीं उठा रहा, हमें बहुत तकलीफ है। अंदरून शहर ज्यादातर गंदगी के ढेर तालीमी इदारों के सामने कायम किए गए हैं, जिसे तुलबा तलबात तफन और बदबू में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। बच्चों के स्कूल के सामने जो गंदगी के ढेर हैं, इन्हें फौरी तौर पर साफ किया जाए ताकि हमारा शहर खूबसूरत बन सके। म्युनिसिपल कमेटी तरक्की करके म्युनिसिपल कारपोरेशन तो बन गई, मगर कारकर्दगी में पहले से भी बदतर हो गई। जगह जगह लगे गंदगी के ढेरों से लगता ही है कि म्युनिसिपल कारपोरेशन का अमला लंबी तान कर सो गया है। अलबत्त इंतजामिया का दावा है कि वो जाग रही है, अगर जाग रही है तो उन्हें ये गंदगी के ढेर क्यों नजर नहीं आ रहे। कैमरा टीम के साथ नवीद भट्ट, ARY न्यूज़, जैला, पंजाब।